हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट अकेडमी प्लस। आज हमारे न्यू इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस जॉइंट्स। इसके पहले हमने देख लिया था कि मैंने आपको नॉर्मल एनालिसिस हम जो करते थे जिसमें हम सारे मेंबर के हम फोर्सेस निकालते थे, उसके लिए मैंने आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स आपको सिखाया था और आपको मेथड ऑफ सेक्शंस आपको बताया था। हो सकता है वो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेसिक लगा हो, जिनको पहले से जो थोड़ा पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा बेसिक सा लगा होगा, या फिर हो सकता है अगर किसी ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी हम मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शंस हम वहाँ पर यूज़ करते थे। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा था जो एकदम ही ज़्यादा न्यू है स्ट्रक्चर एनालिसिस को लेके, तो उनके लिए मैंने क्या किया था, एकदम बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था, उसके बाद मैंने आपको मेथड ऑफ सेक्शंस के बारे में बताया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी आपके पास, हाउ टू फाइंड द जीरो फोर्सेस मेंबर्स, ठीक है, वो भी मैं आपको अच्छे से डील कर चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे किससे, डिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे कि जो ट्रस के जो जॉइंट्स होते हैं अगर उसमें हमें डिफ्लेक्शन निकालना हो, डिफ्लेक्शन मतलब कैसा भी हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हो चाहे वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो, मेनली आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन ही आता है, तो हम उसको कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, डिफ्लेक्शन अगर आपको निकालना हो तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग मेथड्स मतलब कौन कौन से मेथड्स होते हैं, सबसे पहले आता है आपके पास फोर्स मेथड। फोर्स मेथड मैंने आपसे सीधा सीधा मॉड्यूल 2 में पूरा फोर्स मेथड मैंने खत्म कर ही दिया था, उसमें मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया था, जिसमें से एक चीज़ मैंने आपसे बात की थी वो किसके बारे में बात की थी, मैक्सवेल थ्योरम के बारे में बात किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स मेथड जो मैं यूज़ करूँगा डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, वो कौन सा यूज़ करूँगा मैं, मैक्सवेल मेथड या फिर यूनिट लोड मेथड, ठीक है। यूनिट लोड मेथड भी आप पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया उसको, मैक्सवेल थ्योरम के बारे में आपको बताया। तो हम वहाँ पर जो यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, मैक्सवेल मेथड या फिर हम उसको बोल सकते हैं यूनिट लोड मेथड, ठीक है। हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। यूनिट लोड को हम कैसे एनालिसिस करेंगे उसका, वो मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। और भी टाइप के मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट मेथड भी होता है जिसका हम यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, उसका यूज़ आप नहीं करना, आप सीधा सीधा किसका यूज़ करना, फोर्स मेथड से आप इसको एनालाइज कर लेना। एक और मेथड होता है, वो कौन सा होता है आपके पास, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर आता है आपके पास बार चेन मेथड और आपके पास एक आता है विलियट डायग्राम मेथड भी आता है। ये दोनों चीज़ के बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ ज़्यादा आती नहीं है। जो मेन जो आपके पास जो डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आता है वो कौन सा आता है आपके पास, मैक्सवेल मेथड, और उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट लोड मेथड से डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इसी मेथड का हम यूज़ करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ डिफ्लेक्शन किनके कारण आता है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिफ्लेक्शन किसके कारण आता है, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है एक्सटर्नल लोडिंग के कारण, ठीक है। एक्सटर्नल लोडिंग, ये क्या आपके पास, ये मेथड का नाम है। अब अलग अलग केसेस के बारे में बता रहा हूँ कि डिफ्लेक्शन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो लोडिंग रहेगा ट्रस के ऊपर उसके कारण क्या होगा, डिफ्लेक्शन आ सकता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो टेम्परेचर का अगर वेरिएशन अगर होगा, ठीक है, टेम्परेचर में अगर वेरिएशन होगा तो उसके कारण भी क्या हो सकता है आपके पास, डिफ्लेक्शन आ सकता है। एक्सटर्नल लोडिंग के कारण भी आ सकता है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी आ सकता है, और अगर मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ के कारण भी आ सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बोथ का मतलब कौन कौन सा, ये ऊपर के दोनों, एक्सटर्नल लोडिंग प्लस टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब वहां पर आपके पास लोड भी लग रहा है ट्रस के ऊपर और वहां पर आपके पास जो टेम्परेचर जो हो रहा है उसके कारण जो स्ट्रेसेस हो रहे हैं वो भी वहां पर क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो उसके कारण भी आ सकता है। और फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ क्या होता है आपके पास, लैक ऑफ फिट। लैक ऑफ फिट का मतलब क्या हो गया, लैक ऑफ फिट का मतलब ये हो गया कि देखिए ट्रस है तो ट्रस ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा का पूरा ट्रस एक बार पे लाके उसको आप पहले मैन्युफैक्चर करोगे और सीधा सीधा लाके उसको आप उसको इंस्टॉल कर दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। ट्रस बेसिकली क्या होता है, जब बड़े अगर लेवल की अगर बात करेंगे तो हर एक मेंबर कैसा होता है ना, अलग अलग क्या होता है, प्रीकास्ट होता है, ठीक है, सॉरी प्रीफैब्रिकेटेड होता है, और वहाँ पर लाके हम क्या करते हैं, सारे जो साइट पे होता है अलग अलग मेंबर्स आते हैं और वहाँ पर हम जाके क्या कर देंगे, उसको कनेक्शन के थ्रू हम उसको क्या कर लें, असेंबल कर लेते हैं पूरे स्ट्रक्चर को। लेकिन अगर उस प्रोसेस में जैसे आप मान लीजिए हर एक मेंबर के, ट्रस्ट के हर एक जो मेंबर है उसको आप अलग अलग लेके आए हैं और वो सारे मेंबर को आप क्या कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं ट्रस्ट साइट पर, उनमें से अगर मान लीजिए अगर कुछ ऐसा हो गया कि आपके पास क्या हो रहा है कि वहाँ पर आपके पास कोई एकाध मेंबर क्या हो रहा है, उसका जो लेंथ जो है, लेंथ का क्या हो गया आपके पास, लेंथ वहाँ पर थोड़ा शॉर्ट हो गया या फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो उसके कारण क्या आता है यहाँ पर, लैक ऑफ फिट वहाँ पर केस क्या होता है, अराइज होता है, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया आपके पास, एक चौथा टाइप का आपके पास एक मेथड हो गया, ठीक है। तो मैं आपके पास जो डिस्कस करूँगा
मैं जो डिस्कस करूंगा वो कौन सा डिस्कस करूंगा अभी आपसे, एक्सटर्नल लोडिंग के कारण आपसे डिस्कस करूंगा कि एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो डिफ्लेक्शन जो आएगा वो कैसे कैसे आएगा, ठीक है। तो उसके कारण मैं आपको प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा कि प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम बाद में जाके बात करेंगे किसकी, न्यूमेरिकल की, ठीक है। चलिए तो अपन यहाँ पर देखते हैं मैक्सवेल मेथड, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिट लोड मेथड, यूनिट लोड मेथड टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस जॉइंट्स, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक आपको क्या बताता हूँ, मैं स्टेप्स बताता हूँ, आप सीधा सीधा क्या कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आएगा बस आप जो तीन स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो तीन स्टेप आप क्या कर लेना, उसको अप्लाई कर देना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रस आपको गिवन है, ठीक है, ठीक है, आपके पास, आपके पास मान के चलिए आपके पास ये एक ट्रस है, ठीक है। और यहां पर आपके पास जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहां पर क्या लगा है, आपके पास एक लोड लगा हुआ है, दिस इज W1, यहां पर मान के चलिए आपके पास एक लोड लगा हुआ है, दिस इज W2, ये क्या आपके पास एक्सटर्नल लोडिंग है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसकी नेमिंग कर दूं, चलिए इसको बोल देता हूं A B C D E एंड F, क्लियर है। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि चलिए आप बताइए कि सी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, सी पॉइंट पे जो सी जो जॉइंट है आपको सी जॉइंट पे आपको निकालना है डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस मेथड की बात करूं यूनिट लोड मेथड की, तो यहां पर स्टेप नंबर 1 मैंने आपको पहले बताया, तीन स्टेप में आपको बताऊंगा, वो तीन स्टेप में आपको क्या करना है, आपको यूज करके आपको निकालना पड़ेगा उसका डिफ्लेक्शन किसी भी जॉइंट पे। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, आप बोलेंगे ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग, ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग find the forces in all the members of the truss, and these forces are termed as P system forces, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको हर एक मेंबर पे, जैसे कि आपके पास AF एक मेंबर हो गया, FE एक मेंबर हो गया, ED एक मेंबर हो गया, ऐसे करके जितने सारे मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर्स के अंदर, इसके अंदर जो फोर्सेस आ रही है वो फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, वो फोर्सेस को हम बोलेंगे पी सिस्टम फोर्सेस। और ये जो पी सिस्टम फोर्सेस है ये किनके कारण आ रही है, ये जो एक्सटर्नल लोडिंग जो आ रही है ना आपके पास, जो एक्सटर्नल लोडिंग जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा उनके कारण हर एक मेंबर के अंदर जो फोर्सेस डेवलप हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पी सिस्टम फोर्सेस उसको हम बोलेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या निकालना है, स्टेप नंबर 1 में आपको निकालना है पी सिस्टम फोर्सेस, क्लियर है। और इसके पहले अगर मैं बेसिक चीज के बारे में बताऊं, तो यहां पर सबसे पहले आपको रिएक्शंस तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, जो भी आपके पास सपोर्ट कंडीशंस जो रहेगी उसके कारण जो रिएक्शंस होंगे वो रिएक्शंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आप क्या निकालोगे यहां पर, पी सिस्टम फोर्सेस आप निकालोगे ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, स्टेप नंबर 2 में क्या बोल रहा है, स्टेप नंबर 2 में बोल रहा है रिमूव ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड फाइंड आउट the member forces due to the application of unit load at the joint where the deflection is desired, ठीक है। और हम बोलेंगे these forces are termed as K system of forces, ठीक है, समझ में आया।
तो स्टेप नंबर वन में आपको क्या बोला है, स्टेप नंबर वन में बोला कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस। पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो एक्सटर्नल लोडिंग है W1 और W2, इनके कारण हर एक मेंबर पे आपके पास जो फोर्स आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस। स्टेप नंबर टू में बोल रहा है कि आपके पास ये जो एक्सटर्नल लोड जो है ना इसको आप हटा दो, ठीक है, आप एक्सटर्नल लोड को हटा दो और आप क्या करो, आप वहां पर आप क्या करिए, आप जो यूनिट लोड है ना आप एक यूनिट लोड प्लेस करिए कहां पर, जिस भी जॉइंट पे आपको बोला गया डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, ठीक है, आप एक यूनिट लोड लगाएंगे जिस भी जॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोला गया है, और वो यूनिट लोड के कारण आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे के सिस्टम ऑफ फोर्सेस, आप निकालेंगे के सिस्टम ऑफ फोर्सेस। के सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है कि हर एक मेंबर पे जो फोर्स डेवलप हो रही है ड्यू टू द यूनिट लोड अप्लाइड एट द जॉइंट सी। मैंने आपको क्या बोला था, जॉइंट सी के बारे में बात किया था आपसे, ठीक है, जॉइंट सी पे मैंने बोला था डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, जैसे ये जो ट्रस जो है सेकेंड वाले स्टेप में क्या होगा, आपके पास ये वाला जो ट्रस है, ठीक है, ये जो ट्रस है मैंने सी पॉइंट पे बोला था आपको कि सी पॉइंट पे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने सी बोला था, सी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन हमें निकालना है। तो यहां पर क्या लगा था, यहां पर आपके पास दो आपके पास एक्सटर्नल लोडिंग थे, इस वाले सिस्टम में हम क्या करेंगे कि वो दोनों एक्सटर्नल लोडिंग को हम क्या करेंगे हटा देंगे, और उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये वाला जो सी पॉइंट है जहां पर भी आपको डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोला गया है जिस पॉइंट भी जॉइंट पे, उस जॉइंट पे आप क्या करोगे, आप एक यूनिट लोड लगा लोगे, ठीक है। अब ये वाले यूनिट लोड के कारण आप सपोर्ट के रिएक्शंस फाइंड आउट कर लेना, और उसके बाद आप क्या कर लेना, आप हर एक मेंबर पे क्या करोगे, इस यूनिट लोड के कारण हर एक मेंबर पे कितने सारे वहां पर फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, वो वाले फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस। समझ में आया, सबसे पहले स्टेप नंबर वन में क्या करना है, हमें पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालना है, स्टेप नंबर टू में हमें क्या निकालना है, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस। क्लियर है यहां तक, नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री में आपको बोला गया है कि ये जो मेथड है यूनिट लोड मेथड, इसमें बताया गया कि द डिफ्लेक्शन एट द जॉइंट, एट द जॉइंट कैन बी गिवन बाय, जैसे यहां पर अगर आप डेल्टा सी के बारे में बात करें तो डेल्टा सी का आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ पी इंटू के इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, ठीक है। अब पी क्या है आपके पास, पी है आपके पास जो स्टेप नंबर वन में निकाला आपने, पी जो है वो क्या आपने जो स्टेप नंबर वन में निकाला, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास ये जो के है, के क्या है आपके पास, जो आपने स्टेप नंबर टू में निकाला, स्टेप नंबर टू में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे यूनिट लोड अप्लाई किया था, यूनिट लोड के कारण जो हर एक मेंबर पे जो फोर्सेस आएगी उसको हमने क्या बोला, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो आप यहां से के निकालेंगे, एल क्या हो जाएगा आपके पास, हर एक मेंबर का, ठीक है, हर एक मेंबर का जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, उसको हम डिनोट करेंगे किससे, एल से। ए क्या रहेगा, वो हर एक मेंबर का क्या रहेगा आपके पास, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको जो गिवन होगा क्वेश्चन में वो रहेगा। और ई क्या हो जाएगा आपके पास, ई हो जाएगा आपके पास यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो जो मेंबर हमारे पास जो मटेरियल है उसका जो यंग्स मॉडुलस है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ई हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहला वाला मेंबर कौन सा है हमारे पास, ए बी है, ठीक है, सबसे पहला वाला मेंबर क्या है, ए बी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पी ऑफ ए बी इंटू के ऑफ ए बी, मतलब फर्स्ट वाले स्टेप में आपने निकाला था ए बी के अंदर जो फोर्सेस आ रही होगी ये वाले एक्सटर्नल लोडिंग के कारण, वो इंटू सेकेंड वाले स्टेप में आप ये वाले यूनिट लोड के कारण जो ए बी के अंदर, ठीक है, ये कौन सा है ए, दिस इज बी, यूनिट लोड के कारण यहां पर आपके पास जो फोर्सेस आ रही है वो क्या करेंगे आप, इंटू के करेंगे इंटू एल, एल क्या होगा आपके पास, जो लेंथ होगा अपॉन एरिया, और ई क्या होगा आपके पास, ए बी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ई क्या आपके पास, यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो ए बी का मेंबर का जो रहेगा। तो ऐसे करके आप सबमिशन के बारे में बात किया तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए बी का हो जाएगा प्लस बी सी का हो जाएगा प्लस सी डी का हो जाएगा प्लस, ऐसे करके सारे मेंबर्स को आप क्या करेंगे, ये वाले टर्म को आप निकाल के सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा, आपको डिफ्लेक्शन एट द जॉइंट सी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पर इसको निकालने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे,
टेबल बना के हम कैसे करेंगे, सबसे पहले पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस सारी लिख लेंगे सारे मेंबर्स के लिए, फिर उसके बाद के सिस्टम ऑफ फोर्सेस सारे मेंबर के लिए लिख लेंगे, सबका लेंथ लिख लेंगे, सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख लेंगे और सबका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम वहां पर लिख लेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज आप ये जो तीन स्टेप जो मैंने आपको बताया बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आप ये तीन स्टेप को अच्छे से नोट डाउन करिए, और हो सकता है अभी आपको सिर्फ 20% ही समझ में आया होगा कि हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां से आपका पूरा 100% क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि हम जब भी फोर्सेस निकालेंगे, जैसे कि ये पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकाल रहे हैं, दूसरा के सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करेंगे, हम मेथड ऑफ जॉइंट यूज़ करके सारे मेंबर की हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर फोर्सेस को निकालेंगे। इसी कारण मैंने आपको मेथड ऑफ जॉइंट सबसे पहले आपको बताया था, मैंने आपको पहले बताया था कि मेथड ऑफ जॉइंट्स मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ पहले वाले लेक्चर में, ये आगे जाके यूज़ होगा, तो उसका यूसेज कहाँ पर आएगा, अब हम जो नेक्स्ट वाले इसके बाद हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर आपको यूज हो जाएगा। तो एक बार अपन न्यूमेरिकल देखते हैं तो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चलिए अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको हो सकता है उतना अच्छे से डायग्राम बना नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द जॉइंट डी के बारे में बात कर रहा है, मतलब आपके पास ये वाला जॉइंट कौन सा, आपके पास डी, ठीक है, इस वाले जॉइंट का नाम है ई एंड दिस इज एफ। आपको बोला है फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द जॉइंट डी, मतलब ये वाले पॉइंट पे आप डिफ्लेक्शन पूछा गया है, ई आपको बता दिया गया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको बता दिया कितना 200 kN/mm². ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ट्रस देखोगे तो ए बी सी डी ई एफ, ये आपके पास क्या है, ये ट्रस है, इसमें आपके पास जो एक्सटर्नल लोडिंग लगी है वो कितनी है, 100, 100, 50 और 50 kN का आपके पास क्या लगा है, यहाँ पर एक्सटर्नल लोडिंग लगी हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्पैन की बात करूँ तो दिस इज 3 meter एंड दिस इज 3 meter, और जो इसकी हाइट है वो भी कितनी है, यहाँ पर 3 meter की, 3 meter है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप बोलोगे कि सर ये 1000, 1000, 1500 ये क्या है, तो ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये आपके पास क्या गिवन है, आपको ए की वैल्यू गिवन है हर एक मेंबर की, जैसे ए बी के आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1000 mm² है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ए ऑफ ए बी के बारे में बात करूं तो ये कितना दिया आपको, 1000 mm² है। सिमिलरली एरिया ऑफ बी सी के बारे में बात करूं तो ये भी कितना आपके पास 1000 mm² है, एंड सो ऑन। ठीक है, डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो बी डी में आपके पास एरिया कितना दिया है आपको, 1500 mm² का आपके पास क्या दिया है, आपको यहाँ पर एरिया गिवन है। ठीक है, समझ में आया, तो आपको ई गिवन है, आपको यहाँ पर लेंथ गिवन है, एल की वैल्यू भी दे दी गई है, और आपको यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन भी आपको गिवन है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं सपोर्ट कंडीशन की, तो यहां पर दो सपोर्ट लगे हुए हैं एक आपके पास ए जॉइंट पे आपके पास एक सपोर्ट कंडीशन कौन सा है, एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट है, और दूसरा जो एफ वाला जो जॉइंट है यहां पर आपके पास एक रोलर सपोर्ट आपके पास लगा हुआ है। ठीक है, और जो उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास यहां पर रोलर सपोर्ट यहां पर लगा हुआ है। ठीक, तो अपन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, हम यहाँ पर मैक्सवेल या फिर यूनिट लोड मेथड अपन जो यूज़ करेंगे उसमें स्टेप नंबर 1 आपको मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस कौन सी होती है, जो ये जो एक्सटर्नल जो आपके पास जो लोड लगे हुए हैं उनके कारण हर एक मेंबर पे जो फोर्सेस आएंगी वो वाले फोर्सेस हमें निकालने हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल लोड के कारण हर एक मेंबर पे जो फोर्सेस आएंगे उसको निकालेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शंस निकालेंगे। जब भी सपोर्ट दिया रहेगा तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सपोर्ट के रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर ये ए सपोर्ट है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दो आपके पास क्या आएंगे, रिएक्शन आएंगे, इसको मैं बोल देता हूँ एच ए और इसको मैं बोल देता हूँ आर ए। ठीक है, सिमिलरली ये क्या आपके पास रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास एच एफ, हॉरिजॉन्टल में बात कर रहा हूँ तो इसके कारण इसको क्या बोल दिया मैंने, एच एफ क्या है इसका, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। ठीक है, दिस इज एच एफ। थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम कैसा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर डिटेलिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर डिटेलिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक चीज़ चाहिए, हमें यहाँ पर एरिया भी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए, फिर सपोर्ट रिएक्शंस भी, एक्सटर्नल लोडिंग भी, सब चीज़ें चाहिए। पहले हमें एरिया वगैरह का फाइंड आउट नहीं करना होता था, इसी कारण ये डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो ये डायग्राम में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा एक डायग्राम है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं फाइंड आउट क्या करूँगा, इस
रिएक्शंस को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं क्या सपोर्ट रिएक्शंस। तो सपोर्ट रिएक्शंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो अगर मैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो बोलूँ, अगर मैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो बोलूँ, तो हॉरिजॉन्टली आपको क्या क्या आपके पास देख रहे हैं फोर्सेस कौन सी है, सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं एच ए और एच एफ। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एच ए इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, एच एफ मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो बोलूँ, तो वर्टिकल आपके पास जो अपवर्ड आपके पास जो फोर्स है वो सिर्फ एक ही है, कौन सी, आर ए। और जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो सारी कौन सी, आपके पास एक्सटर्नल लोडिंग जो लगी हुई है सारी, देखिए आप रेड वाले से जो भी एक्सटर्नल लोडिंग है वो सब कैसे एक्ट कर रहे हैं, डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। तो चार फोर्सेस हैं, कितने कितने के, 100 + 100 + 50 + 50। तो जो आपके पास जो आर ए जो रिएक्शन जो आएगा ए ए जॉइंट पे, वो कितना आ जाएगा आपके पास, 300 किलो न्यूटन आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक। अब हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस चाहिए, तो एक और हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, वो कौन सा है हमारे पास, कोई भी एक जॉइंट पे हम क्या ले लेंगे, मोमेंट इक्वल्स टू जीरो कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जॉइंट ए में मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस ए पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, मोमेंट इक्वल्स टू जीरो बोल दिया। तो आप देखिए इस वाले जॉइंट पे अगर मैं मोमेंट इक्वल्स टू जीरो बोलूंगा, तो कितनी फोर्सेस के कारण मोमेंट आएगा, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, और एक एच एफ के कारण। टोटल 5 फोर्सेस के कारण क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए जॉइंट पे आपके पास मोमेंट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आप देखेंगे इस 100 के कारण, तो 100 क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हो जाएगा 100 × 3 प्लस दूसरा वाला, ये भी कैसे जा रहा है, ए के लिए क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 × 6 6 कैसे, दिस इज 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3 क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव ले रहा हूँ। नेक्स्ट अपन नीचे वाला 50 है, वो भी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 50 × 6 प्लस नेक्स्ट वाला जो 50 है वो कितना हो जाएगा, 50 × 3। और ये जो एच एफ जो जा रहा है, ये एच एफ कैसा जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और वहाँ पर डेप्थ भी कितनी है आपके पास, 3 मीटर है, तो ये हो जाएगा माइनस एच एफ इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 आपको मिल जाएगा। तो आप इसको फाइंड आउट करिए एच एफ की वैल्यू, तो एच एफ की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, कैल्सियम मेरे पास है नहीं, फ़ोन से मुझे चेक करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो एच एफ की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, कितनी, 450 किलो न्यूटन, ठीक है, वो कितनी आ रही है, 450 किलो न्यूटन। तो अगर एच एफ आपके पास 450 है, तो एच ए भी कितना हो जाएगा आपके पास, 450 किलो न्यूटन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने सबसे पहली चीज़ हमने निकाल ली, वो क्या थी, सपोर्ट के रिएक्शंस। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एच ए कितना आएगा आपके पास, 450, एच एफ भी कितना आएगा आपके पास, 450, आर ए कितना आ रहा है आपके पास, 300, ठीक है, आर ए कितना है आपके पास, 300 किलो न्यूटन। तो ये चीज़ क्लियर है। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्या, हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात करूँ, तो मैंने आपको क्या बताया था, हर एक मेंबर पे हमें क्या निकालना है, फोर्सेस निकालना है। तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, आप वहाँ पर नॉर्मल मेथड ऑफ जॉइंट्स हम वहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले कौन सा जॉइंट आपके हिसाब से लेना चाहिए, हम वो वाला जॉइंट लेते हैं जहाँ पर आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होना चाहिए, आपके पास 2 से ज़्यादा अननोन फोर्सेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं मान लीजिए अगर मैं एक ए पॉइंट को मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, तो ए पॉइंट पे टोटल आपके पास फोर्सेस कितनी दिखेगी आपको, एक ये अपवर्ड फोर्सेस आ रहे, एक ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है आपके पास, कितना, एच ए। दूसरा ए बी के कारण एक फोर्स आएगा, ए ई के कारण एक फोर्स आएगा, और ए एफ के कारण एक फोर्स आएगा। तो टोटल अननोन फोर्सेस कितनी हो जाएंगे आपके पास, 3, और टोटल फोर्सेस कितने हो जाएंगे आपके पास, ये 2 भी है तो टोटल हो जाएगा 5। अननोन फोर्सेस सिंस यहाँ पर 3 है, तो क्या मैं ए जॉइंट से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, तो मैं ए जॉइंट से स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर अननोन फोर्सेस 3 है, दैट इज अननोन फोर्सेस 2 से क्या है, वो ज़्यादा है, ठीक है। सिंस यहाँ पर 2 से ज़्यादा है अननोन फोर्सेस, तो आप वहाँ पर उसको स्टार्ट आप वहाँ से नहीं कर सकते। अगर मैं एफ जॉइंट के बारे में बात करूँ, तो आप देखिए एफ जॉइंट पे एक ये वाली फोर्स आ रही है, एक एफ ई आएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ए। तो जो अननोन फोर्सेस है वो कौन कौन सी हो जाएगी, एफ ई और एफ ए, कितनी है वो, 2 फोर्सेस क्या है आपके पास, अननोन है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम जॉइंट एफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जॉइंट ए से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर 3 अननोन आ जाएंगे। तो इसलिए मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं जॉइंट एफ से स्टार्ट करूँ। तो चलिए अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ, तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज एफ,
एक आपके पास रिएक्शन आ रहा है, कौन सा, HF का, कितना है वो 450 किलोन्यूटन। एक आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास यहाँ से FE आ रहा है, चलिए मैं इसको क्या ले लेता हूँ मैं, नहीं ठीक है, HF का डायरेक्शन इसी में था, दूसरा मैं क्या लेना, अज्यूम जो कर रहा हूँ FA को, वो कैसे कर रहा हूँ मैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए जीरो मेंबर फोर्स तो अभी से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि दो क्या है कोलिनियर है, और थर्ड वाला जो नॉन कोलिनियर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। नहीं तो फिर आप समेशन FY इक्वल्स टू जीरो भी अगर आप बोलोगे तो भी आपके पास क्या मिल रहा है, फोर्स ऑफ FA कितना मिल जाएगा आपको, जीरो। ठीक है, अगर मैं समेशन ऑफ FX इक्वल्स टू अगर मैं जीरो कहा तो आपको क्या मिल जाएगा, HF प्लस FE इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, जीरो। इसका मतलब FE किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, माइनस HF दैट इज इक्वल्स टू माइनस 450 किलोन्यूटन। ठीक है, और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि FE जो है वो क्या आपके पास 450 किलोन्यूटन कंप्रेशन में, समझ में आया चीज। तो आप इसके कारण जैसे कि हमने अभी आप देख लिया, हमने दो मेंबर की हमने फोर्सेस निकाल लिया, कौन कौन से, FA और FE की हमने क्या निकाला, हमने यहाँ पर फोर्सेस निकाल लिया दो मेंबर का। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो हम यहाँ पर FA हमने देख लिया कितना है, जीरो, और दूसरा हम FE निकाल लिया वो कितना है आपके पास 450 किलो न्यूटन कंप्रेशन में। क्लियर, सिंस हमने ये दो निकाल लिया, अब हमें सिमिलरली क्या करना है, हमें बाकी के मेंबर की भी फोर्सेस निकालनी है। ठीक है, तो अब अगर मैं ए जॉइंट पे अब मैं देखूं तो ए जॉइंट पे अब अननोन फोर्सेस कितनी है हमारे पास, सिर्फ ए बी और ए ई ही है। ठीक है, ये वाली फोर्स हमें नोन हो गई, ये वाली फोर्स भी नोन है, ये वाली फोर्स भी नोन है, तो अब मैं ए जॉइंट पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अब जैसे जॉइंट ए पे गया, जॉइंट ए पे गया तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसका आप एफ वी डी बनाइए। तो एफ वी डी अगर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या आ रहा था आपके पास, रिएक्शन कुछ ऐसे टाइप के आ रहे थे, ऐसे टाइप के रिएक्शन आ रहे थे। अब ए से तीन मेंबर कनेक्टेड है, कौन कौन सा, ए से बी एक कनेक्टेड है, एक आपके पास ए से बी आपके पास एक फोर्स कनेक्टेड है, दूसरा आपके पास ए से एफ बी कनेक्टेड है, और ए से ई भी आपके पास क्या है, एक फोर्स वहां से एक्ट करेगी। क्लियर है, आपकी एक फोर्स वहां से भी क्या करेगी, एक्ट करेगी। जिसमें से आपने देख लिया कि आपके पास ये जो एच ए है इसकी वैल्यू कितनी थी 450, आर ए की वैल्यू कितनी थी 300 हमने निकाल लिया था, यहां से एच ए हमने निकाल लिया था और आर ए भी निकाल लिया था, कितना आया था वो 300। सिमिलरली ए एफ जो है, ए एफ को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, एफ ए या फिर ए एफ कितना है वो जीरो फोर्स मेंबर है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। आप चाहो तो इसको आप यहां से हटा भी सकते हो, क्योंकि जीरो का मतलब कोई वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है, तो उसको फोर्स को ही आप सीधा क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। अब यहां पर अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री, कैसे, क्योंकि आप देखिए यहां पर इसकी हाइट भी कितनी है 3 मीटर, और यहां पर इसका जो लेंथ है वो भी कितना है यहां पर 3 मीटर। तो सिंस ये हाइट भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, तो जो एंगल जो आएगा वो एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। प्लीज आप ध्यान रखिएगा, डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें क्या है, डिटेलिंग है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक्सटर्नल लोडिंग, रिएक्शन, लेंथ सब चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ आप डायग्राम ना दो तीन अगर डायग्राम भी बना लोगे तो भी चल जाएगा, पहले आप अगर आप चाहो तो सिर्फ आप क्या बना लीजिए, आप मेंबर के साथ बना लीजिए, नेक्स्ट वाले में उसमें थोड़ी डिटेलिंग करके उसमें क्या बता दीजिए, आप उसमें एरिया भी बता दीजिए, और एक डायग्राम और बना के आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप सिर्फ फोर्सेस भी आप बना सकते हो। ठीक है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सारे डायग्राम्स बनाते जाऊं, आप चाहो तो इसी चीज़ को आप दो तीन डायग्राम में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग आप अपने समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एफ वाले जॉइंट को मैंने एनालाइज कर लिया, तो मुझे ये वाली फोर्स मिल गई कितनी 450, और मुझे ये वाली फोर्स भी मिल गई कितनी 0। नेक्स्ट मैं किस में आया हूँ, मैं ए वाले जॉइंट पर, जिसमें मेरे को ये तो पता हो गया ये 0 है, बचा क्या, ये वाली दो अननोन फोर्सेस, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल सा है, यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, समेशन एफ आई इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो ए ई जो है इसको रिजॉल्व कर लेते हैं अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो ये हो जाएगा आपके पास ए ई साइन 45, और आपके पास एक और जो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में, ये हो जाएगा ए ई कॉस 45। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे,
इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाई, दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। हॉरिजॉन्टल में आपको कौन कौन से आपके पास दिख रहेंगे, एक आपको ए नेगेटिव में जा रहा है कितना माइनस 450, प्लस पॉजिटिव में आपके पास एक ए बी है, प्लस आपके पास क्या है ए ई कॉस 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो। अगर समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो पे अगर मैं गया तो आप देखिए ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या जा रहा है प्लस आर ए, और नीचे वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा माइनस ए ई साइन 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो। आर ए की वैल्यू कितनी थी 300 किलो न्यूटन माइनस ए ई साइन 45 इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आप ए ई बता दीजिए, ए ई कितना हो जाएगा आपके पास 300 इंटू रूट टू किलो न्यूटन, और ए प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है इसका जो नेचर है वो कैसा है आपके पास टेंसाइल है। ठीक है, समझ में आया। तो आप यहां से आप देखिए तो आपको यहां से एक और मेंबर का फोर्स मिल गया, कौन सा ए ई मेंबर का भी आपको यहां से फोर्स मिल गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहां पर ए बी मेंबर का फोर्स, तो आप यहां पर ए ई में आप पुट करिए कितना 300 रूट टू कॉस 45 इक्वल्स टू जीरो। कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 450 प्लस 300 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 150, माइनस 150 प्लस ए बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आप देखोगे तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 150 किलो न्यूटन आपको यहां से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है प्लस में आ रहा है तो ए बी भी क्या है आपके पास टेंसाइल है, ए बी भी क्या है आपके पास टेंसाइल नेचर का है। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे तो हमने ए बी निकाल लिया, ए ई निकाल लिया, सिमिलरली हमने एफ ई भी निकाल लिया और एफ ए भी निकाल लिया। हम बहुत ही सिंपल मेथड से चल रहे हैं, दैट इज मेथड ऑफ जॉइंट से। तो आप देखेंगे तो हमने यहाँ से इसको भी निकाल लिया, इसको भी निकाल लिया, इसको भी निकाल लिया और ये वाले मेंबर को भी निकाल लिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अपन चलते हैं जॉइंट, कौन से जॉइंट को पकड़ना चाहिए अब आप बताइए मुझे। अगर मैं जॉइंट बी को अगर मैं लिया तो यहाँ से अननोन कितने मेंबर हो जाएंगे, ये वाले 3 मेंबर हो जाएंगे, फाइंड आउट कर पाओगे क्या नहीं। अगर मैं जॉइंट ई को ले लिया तो यहां से अपन देखेंगे तो 1, 2 ए ई को हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहां से आपके पास सिर्फ 2 ही आपके पास अननोन फोर्सेस रहेंगे। इसका भी हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका भी फाइंड आउट कर लिया, तो नेक्स्ट हमारा जॉइंट कौन सा रहेगा हमारे पास जॉइंट ई हमारे पास रहेगा। ठीक है,